हेलो, कल आपने अपने पहली जो क्लास थी इसमें अपन ने पढ़ा था एंगल, 0 से 90 डिग्री तक एंगल, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के। आज मैं आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताऊंगा, जो 90 डिग्री किसमें लगती है, ये समकोण त्रिभुज में। इसको राइट एंगल ट्राइंगल के नाम से जाना जाता है। देखना, समकोण त्रिभुज होता क्या है? कौन? त्रिभुज, यानी राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। या तो वो इधर से बना लो, इसको कहते हैं अपन लंब, इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं अपन कर्ण इंग्लिश में। इसको हिंदी में अपन इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर, इसको बेस, और इसी को हाइपोटेनियस के नाम से जाना जाता है। अब एक चीज देखना, ये साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक्स जो होता है ट्रिग्नोमेट्रिक, वो ओनली उसी त्रिभुज में अप्लाइड होते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होगा, और उसी ट्राइंगल को अपन क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। आपको तो ये चीज फिक्स रखनी है कि साइन कोस टेन कोट जिसका भी वैल्यू निकालते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एलिमेंट्स की, वो किस पर अप्लाई होता है, 90 डिग्री का एक एंगल होगा फिक्स ही। और एक चीज देखना, इसकी ट्रिक होती है हिंदी की अलग होती है और इंग्लिश के लिए अलग होती है। अपन हिंदी वालों के लिए देखेंगे इधर, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखेंगे इधर। हम इसको यहां लिख देता हूँ, इंग्लिश मीडियम के लिए। अब एक चीज देखना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में क्या डिफरेंस है। हिंदी में इसकी ट्रिक होती है, लाल बटे कक्का कहते हैं बच्चे, लेकिन एक चीज उसको अपन और भी कह सकते हैं, लाला आलू लाया, खराब खराब आलू। क्या ट्रिक बन गई, लाला आलू लाया, खराब खराब आलू। ये तो हिंदी मीडियम के लिए ट्रिक हो गई। अब एक और चीज देखते हैं अपन, पंडित बद्री प्रसाद प्रसाद हर हर बोले, इंग्लिश मीडियम की क्या ट्रिक होगी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इन चीजों का क्या महत्व है, इसमें क्या कैसे निकाल सकते हैं अपन, इंपोर्टेंस क्या है इसकी, इसमें देखना। ये जो फर्स्ट डिजिट होता है वो होता है साइन डिजिट, साइन थीटा। ऐसे ही इसका जो फर्स्ट डिजिट होगा वो किसका होगा, साइन थीटा। सेकेंड डिजिट का क्या होगा, कॉस थीटा। नेक्स्ट थर्ड डिजिट, टेन थीटा। नेक्स्ट फोर्थ डिजिट, कॉट थीटा। नेक्स्ट फाइव डिजिट, सेक थीटा। नेक्स्ट कॉसेक थीटा, राइट। एज इट इज इसी केस है, साइन थीटा इसका कौन सा हो जाएगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब मैं एक चीज देखना, अपन यहां से निकाल सकते हैं, अपन आराम से बता सकते हैं। देखना, यहां से अपन को एक चीज पता चल रही है कि साइन की वैल्यू क्या है, कोस की वैल्यू क्या है, टेन की वैल्यू क्या है। देखना, साइन थीटा की वैल्यू यदि मैं यहां से पूछूं आपसे, तो हिंदी मीडियम वाले क्या बताएंगे, एल अपॉन के, लंब बटे कर्ण। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या बताएंगे, हाइपोटेन क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अपन इसको क्या कह सकते हैं, एल अपॉन के हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वाले इसको क्या कह सकते हैं, पी अपॉन एच। याद करने की ट्रिक बहुत इजी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, हिंदी वालों के लिए लाला आलू लाया, खराब खराब आलू, जिसको बच्चे लाल बेटे कक्का के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब बच्चे देखना, साइन थीटा कोस थीटा, कोस थीटा की क्या है, क्या आ रही है यहां से, ए अपॉन के मतलब आधार अपॉन कर्ण, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बी अपॉन एच। आधार अपॉन इंग्लिश में क्या कहते हैं, बे बेस, और कर्ण को हाइपोटेनस। नेक्स्ट बात करें अपन, टेन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, ए अपॉन ए इज इक्वल टू पी अपॉन बी, आधार को बेस, लंब को परपेंडिकुलर का। अपन ने फिर कही कोट की, कोट जस्ट टेन का उल्टा होता, देख रहा है, देखना इधर से,
कोट जस्ट इससे अपोजिट है तो अपन क्या कह सकते हैं, ए अपॉन एल जस्ट अपोजिट है इसका, देख लो ये देख लो, तो बी ऊपर चल जाएगा तो पी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही सेक जो है कोस का अपोजिट है, देखो आपको कोस का अपोजिट दिख रहा है, जस्ट अपोजिट दिख रहा है कोस का, तो अपन ने कहा सेक थीटा इज इक्वल टू कोस का क्या वैल्यू थी, के अपॉन ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस ऊपर चल गया, कोस की बात करें अपन तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोस थीटा कर्ण अपॉन लंब, यानी कर्ण को क्या कहते हैं हाइपोटेनियस और लंब को क्या कहते हैं अपन परपेंडिकुलर, क्या बन गया एच अपॉन पी, पी अपॉन एस था एच अपॉन पी बन गया, और अपन ने कोस एक्स के जस्ट अपोजिट से एक रहा और टेन का अपोजिट क्या रहा, ये रहा। अपन को इनके लिए सभी फॉर्मूले पता होना चाहिए तब जाके अपन इनके फॉर्मूले निकाल सकते हैं। ये सभी अपन ये वाली चीज जो अपन को है ट्रिक से याद करनी है, कितने ट्रिक होगी बेटा इसमें, दो ट्रिके हो गई। पहले ट्रिक हुई अपने पास में हिंदी मीडियम वालों के लिए ला ला आलू लाया खराब खराब आलू, नेक्स्ट दूसरी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है ये तो थी अपनी समकोण त्रिभुज के लिए। ये अप्लाई कब होगा sin थीटा cos थीटा, जब तक कि वो समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा जब तक वो अप्लाई नहीं होगा। अब पर्टिकुलर देखना है, इसमें मैं ट्राइंगल की बताता हूँ, जैसे ए ये बी और ए सी, ये तो आपको समझ में आई क्या होगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, देखना अब एक चीज, अब एक चीज, एक तो यहां पर एक नोट डालें, नोट क्या होना चाहिए देखना, नोट देखना आप अच्छे से, नोट क्या होना चाहिए, हमेशा हमेशा देखना जो भी एंगल पूछा जाए, हमेशा जो भी एंगल पूछा जाए उसके सामने वाला सामने वाली भुजा यानी आर्म क्या होगी, जैसे ये एंगल पूछा है इसके जस्ट सामने वाली भुजा जो भी होगी उस टाइम पर अपन उसको कहेंगे लंब, और इंग्लिश वालों के लिए परपेंडिकुलर, क्या कहेंगे उसको लंब, हिंदी में क्या रिप्रेजेंट करते हैं एल से और इंग्लिश में पी से, जस्ट एल या पी ये हो गया, मतलब पंडित जी जिधर होंगे उधर कुत्ता भुकेला, ये क्या है इधर देखना एंगल दिखा रहा है, तो मतलब ये हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर यानी लंब। तो एक चीज बताओ ये लंब हो गया तो क्या होगा बस, और ये क्या होगा फिर हाइपोटेनियस यानी कर्ण, ये चीज याद होना चाहिए अपन को, क्योंकि ये याद है तो किसी का भी एंगल निकाल सकते हैं 8.1 इसी पूरी एक्सरसाइज इसी ट्रिक पर सारी 8.1 खत्म हो जाएगी राइट। अब एक चीज देखना, यदि ये तो कब है जब एंगल ए है, जब जैसे ही एंगल चेंज हुआ अपन ने एंगल निकालना सीखा राइट। अब इधर एंगल पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा इस टाइम पर परपेंडिकुलर लंब ये बन जाएगा, तो बेस किधर चल जाएगा, बेस यानी आधार किधर चल जाएगा उधर, जबकि हाइपोटेनस यानी कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा, ये क्लियर है। यदि ये आपको क्लियर हो जाता है तो अपन जो नेक्स्ट वाली जो वीडियो आएगी अपनी उसमें 8.1 को समाप्त कर देंगे, 8.1 पढ़ेंगे। यदि ये दोनों वीडियो आपको आते हैं तो 8.1 और 8.2 बिल्कुल क्लियरली खत्म हो जाएगी राइट ओके।